फिर राबे चलता तेरे बंदे मुझको पागल कह रहे ए खुदा ए खुदा ए खुदा मेरे नजारे करम फरमा हम भी तो हैं बंदे तेरे मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे Hello everyone, we are Zindagi Boys and you are watching us on Why Superstar. सबसे पहले तो देखें पैशन ही होता है जो हर बंदे को चीज की तरफ खींचता है तो सबसे पहले तो पैशन ही है उसके बाद फिर हमने जब उसको सीखा तो आर्ट के बारे में पता चला तो अब आर्ट तो ऐसी चीज है वो तो जिंदगी भर चलती रहेगी खत्म नहीं होगी और जो मनी का फैक्टर है वो तो जाहिर सी बात है इट्स अ बिजनेस ऑल्सो तो कहीं ना कहीं घूम के तो वो आ ही जाएगा बट सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर पैशन है उसके बाद अपने आर्ट को पहचानना और उसको अच्छे से डिलीवर करना इनसे मेरी मुलाकात जो है वो ये दोनों तो साथ गाते ही थे मतलब हम ये बैंड बनने से पहले ये लोग थे तो पहली बार जब हमने जैम किया वो मैं इनसे पहली दफ़ा मिलने ही गया था जहाँ पे ये लोग जैम करते थे ताकि हम जो आइडिया हमारा था उसको हम बनाएं तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस इसके साथ इनके साथ वही था कि हम लोग मिले और हमने वहीं जैमिंग करना स्टार्ट कर दिया ये लोग बताएंगे कि इन्होंने मुझे पहले कब सुना या खुद आपस में काम कब पहले किया पहले तो मैं अकेले था फिर ऐसे ही इधर हम दोनों एक ही इलाके में रहते हैं ना उसके बाद ऐसे ही जान पहचान हुआ तो हम दोनों मिल के मतलब एक दिन हम स्टूडियो में बैठ के जिंदगी में शब्द प्ले कर रहे थे तो समी ने सुना समी को अच्छा लगा तो उसके बाद समी ने इधर को व्हाट्सएप किया कि इसे डिलीट कर दो फॉरन स्टेटस से इस पर काम स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बस जिंदगी में शब हमारा आ गया देखिए हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग बैंड बनेंगे कभी हमारा मोटिव ये था कि हम एक ये जो गाना बनाया इसको निकाल दें और जब वो निकला तो वो इतना मतलब वायरल हो गया लोग हमें जिस नाम से वो गाना था जिंदगी उस नाम से हमें बुलाने लगे जिंदगी बॉयज के नाम से ना तो हमने देखा अब हमने साथ तो आगे काम करना ही है और हमने बैंड नहीं बनाया लोगों ने हमारा मतलब समझा कि हम ये बैंड है तो उन्होंने हमें एक बैंड का नाम दिया तो हमने देखा यार अब हो ही रहा है तो चलो बना ही लेते हैं तो फिर जो नाम लोगों ने हमें दिया तो जिंदगी बॉयज हमने वही अडॉप्ट करके अपना बैंड बना लिया जिसके अंदर शेरी होता है मैं होता हूँ मतलब सिंगिंग में सबसे ज्यादा तो रिहर्सल लाजमी है मतलब अगर रिहर्सल नहीं करोगे तो गाना गा ही नहीं सकते और उसके बाद फिर इधर किस चीजों से बचना पड़ता है चावल से एक सिंगर को उसकी आवाज़ को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले उसे रिहर्सल करना पड़ता है जैसे मैं हूँ मैं मतलब अगर एक हफ्ते में एक दिन भी रिहर्सल ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10 दिन पीछे चला गया एक ऐसा लगता है मुझे मतलब एक अगर हम रिकॉर्डिंग से पहले अगर हम साउंड रिकॉर्ड करने से पहले हमें स्टूडियो जाना पड़ता तो उसी दिन ना मैं चावल खाता हूँ ना मैं ठंडा पानी पीता हूँ सब इन चीज़ों से परहेज करता हूँ तो तब जाकर मेरी रिकॉर्डिंग एक अच्छी लेवल पर हो जाती है मतलब हम स्टेज पे भी ऐसे भाई जैसे हैं मतलब बाहर भी भाई जैसे हमारा भी इसमें ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है और बाकी समय देखें अब एक तो म्यूज़िक फैक्टर साइड भी हो हमारे जो लड़कों की दोस्ती होती है वो तो वैसे काफ़ी आपको पता है क्लोज होती है उसके बाद हम प्रोफेशन में भी एक साथ हैं अब इन दो ये दो है ना ये अलग जगह रहते हैं तो अब इनकी मार्केटिंग वगैरह सब चीज़ मेरे हाथ में तो मतलब इस तरह नहीं है कि ये मुझे क्वेश्चन करे वो मुझे क्वेश्चन करे जो हमारे लिए बेटर होता है कुछ कभी शेयरी डन कर देता है कभी मैं डन कर देता हूँ तो भाईचारा एक है प्रोफेशनली भी अब आगे बढ़ती जा रही है इसको पता चल रहा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ मुझे पता चल सकता है कि इसकी सलाहियतें कितनी हैं तो हम ग्रो भी कर रहे हैं साथ साथ हमें सिर्फ एक साल हुआ है हम बहुत अच्छे भाई नहीं हैं लेकिन अभी आर्ट वाइज हम लोग अभी आपस में हमें खुद भी नहीं पता कि शेयरी कितना डीप जा सकता है उस शेयरी को भी नहीं पता कि यार समी भी कितना अच्छा हो सकता है तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों को बिल्डअप कर रहे हैं मतलब क्वेटा आके परफॉर्म करने में मज़ा आया यहाँ की क्राउड माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और अच्छा था दोनों अच्छे थे
और मतलब बहुत मज़ा आया परफॉर्म करके, उनका सपोर्ट मिला हमें। और मतलब काफ़ी टाइम ऐसा होता है कराची में परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग होते हैं मतलब क्राउड में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पसंद नहीं करते हैं और जो पसंद करते हैं, मतलब तीनों का अलग अलग कैटेगरी है। इधर बलोची करता है, समीर रैपिंग करता है और मैं पॉप करता हूँ उर्दू। मतलब कुछ लोग होते हैं उर्दू सुनने वाले, कुछ बलोची और कुछ रैप, मतलब हम तीनों एक ही ब्रांड है। मतलब पब्लिक को मज़ा आता है हमें सुनकर, बहुत मज़ा आता है। टू बी ऑनेस्ट क्वेटा, लाइक मैं ऑल ओवर पाकिस्तान परफॉर्म कर चुका हूँ, लेकिन क्वेटा फेवरेट सिटी है मेरी, क्योंकि यहाँ के लोग, इनका बिहेवियर, मतलब कल्चर बहुत जिंदा है यहाँ पे और वो देखने को भी बहुत अच्छा मिलता है, तो क्वेटा भी हमें पसंद है एंड क्वेटा वाले भी हमें बहुत पसंद करते हैं। ये दो घंटे इसके घर के बाहर खड़ा करना पोना पड़ता है, आप इसको बोलो ना दो घंटे पहले, मैं आप अपने घर से निकलते इसको बोलो शहरी में तुम्हारे घर के आगे खड़ा हूँ, आप इसके घर पे पहुंचो, फिर दोबारा इसको कॉल करो शहरी में आपके घर के आगे खड़ा हूँ, फिर उसके भी आधे घंटे बाद आता है। फैंस है तो हम हैं, फैंस नहीं है तो हम नहीं है, तो फैंस से सारा दारोमदार है फिलहाल पाकिस्तान में, कि वो देखेंगे तो हमारी जो है वो रेटिंग बढ़ेगी तो कॉन्सर्ट मिलेंगे तो पैसे मिलेंगे, सो दैट्स द थिंग। तो ऑडियंस है तो हम हैं एंड थैंक यू फॉर दैट।